नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है भालचंद्रा। ब्रह्मांड सिद्धि आश्रम में आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे कुंभ राशि का मार्च 2021 का संपूर्ण राशिफल, कैसे होंगे ग्रह योग, कैसे होंगे ग्रहों के राशांतर और वो आपके राशि पर किस प्रकार से परिणाम करने वाले हैं, कौन से निर्णय आपको लेने हैं, कौन से निर्णय आपको टालने हैं, सभी के बारे में चर्चा इस वीडियो में हम करने वाले हैं। अपना जो चैनल है ब्रह्मांड सिद्धि एस्ट्रो, इस चैनल पर मेष राशि से लेकर मीन राशि तक की जो सभी 12 राशियां हैं, इन सभी 12 राशियों का मार्च 2021 का राशिफल क्या होगा उसके संदर्भ में वीडियो अपलोड हो चुके हैं, आप उसका आनंद ज़रूर लीजिए। तो आज के इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे कुंभ राशि का राशिफल मार्च 2021 के लिए। सबसे पहले हम चर्चा करेंगे सूर्य के बारे में। सूर्य जो ग्रह है वह आप ही के राशि में भ्रमण कर रहा है और दिनांक 15 तारीख के बाद यह ग्रह आपके द्वितीय भाव में भ्रमण करेगा। तो दो तीन बातें हैं उसके ऊपर आपको ध्यान देना होगा। सबसे पहले आपने देखा होगा कि आपका जो कॉन्फिडेंस लेवल है वह काफ़ी अच्छा देखा जा सकता है। पिछले करीबन 10-12 दिनों में आपने ये बात महसूस की होगी और ये जो सिलसिला है, आपका जो कॉन्फिडेंस लेवल है वह करीबन आने वाले 10-15 दिनों तक ऐसे ही बना रहेगा। 15 तारीख के बाद जैसे ही ये रविग्रह आपके द्वितीय भाव में भ्रमण करेगा तो आपके खर्चे ज़्यादा हो सकते हैं, उसके ऊपर नियंत्रण रखना ज़्यादा आवश्यक होगा। हालांकि आपकी जो राशि है काफ़ी डिसिप्लिन वाली राशि है, फिर भी खर्चे आपके आ सकते हैं और खर्चे हो भी सकते हैं, ध्यान देना ज़्यादा आवश्यक है। उसी प्रकार अगर आपका विवाह हुआ है तो आपके जो वैवाहिक जोड़ीदार है उनके सेहत के बारे में भी छोटे मोटे प्रॉब्लम कॉम्प्लिकेशन दिखाई दे सकते हैं, ध्यान रखना ज़्यादा आवश्यक होगा। इसके बाद हम चर्चा करेंगे मंगल ग्रह के बारे में। मंगल जो ग्रह है यह आपके चतुर्थ भाव में भ्रमण कर रहा है और संपूर्ण महीना ये जो मंगल ग्रह है आपके चतुर्थ भाव में ही भ्रमण करेगा। यह मंगल ग्रह आपका तृतीयेश भी है और दशमेश भी है, तो घर के जो लोग होंगे उनके साथ छोटी मोटी बातों को लेकर तकरार हो सकती है, विवाद हो सकते हैं। हालांकि जो विवाद है वो थोड़े बढ़ भी सकते हैं, जैसे कि चतुर्थ भाव में मंगल और राहु की युति होने जा रही है। इसके संदर्भ में इस वीडियो के बाद जो अंत में हम इसके संदर्भ में बहुत ही डिटेल में चर्चा करेंगे, लेकिन मंगल आपके चतुर्थ भाव में और वहीं पर राहु होने के कारण घर के जो लोग हैं उनके साथ छोटी मोटी बातों के लेकर तकरार हो सकती है। उसी प्रकार जहां पर आप काम करते हो, नौकरी करते हो या फिर व्यवसाय करते हो, वहां पर की जो परिस्थितियाँ हैं वो भी काफ़ी बदलती हुई नज़र आएगी। बस खुद के ऊपर थोड़ा नियंत्रण रखना ज़्यादा आवश्यक होगा। इसके बाद हम चर्चा करेंगे बुध ग्रह के बारे में। बुध जो ग्रह है यह आपके पेय भाव में भ्रमण कर रहा है और दिनांक 12 तारीख के बाद यह बुध ग्रह आप ही के राशि में भ्रमण करेगा। यह बुध ग्रह आपका पंचमेश भी है और आपका अष्टमेश भी है, तो दो तीन बातें हैं उसके ऊपर ध्यान रखना ज़्यादा आवश्यक होगा। पहली सबसे महत्वपूर्ण बात, अगर आप किसी के रिलेशनशिप में हैं तो उसके संदर्भ में कुछ अच्छे अनुभव आपको आ सकते हैं। जैसे कि आपने देखा होगा कि पिछले करीबन 15-20 दिनों में आप जिनके रिलेशनशिप में हो उनमें छोटी मोटी बातों के लेकर आप में और उनमें तकरार हो रही है। हालांकि जो मुद्दे हैं वो बहुत बड़े नहीं हैं, लेकिन जो थोड़ा सा डिसकनेक्ट हो रहे हैं या फिर मानसिक तौर पर छोटी मोटी बातों को लेकर क्लैशेस वगैरह बढ़ रहे हैं, लेकिन 12-15 तारीख के बाद जैसे ही ये बुध ग्रह आपके राशि में आ जाएगा, आपके जो रिलेशनशिप में जो व्यक्ति होंगे उनके साथ आपके जो हारमोनी है वो बहुत ही अच्छी देखी जाएगी। तो ये जो बुध का भ्रमण है आपके लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण साबित होगा। उसी प्रकार अगर आप शेयर मार्केट से डील करते हो तो भी ये जो संपूर्ण महीना है, मतलब करीबन 12-13 तारीख के बाद का जो समय है, आपके लिए बहुत ही ज़्यादा शुभ फलदायी होगा। जो भी आप ट्रेड करोगे उसमें काफ़ी अच्छी सफलता आपको मिलती हुई नज़र आएगी। सिर्फ आपके सेहत के ऊपर ध्यान रखना ज़्यादा आवश्यक होगा। सेहत के बारे में अगर आप किसी व्याधि से त्रस्त हो या फिर एलर्जिक हो तो उसके संदर्भ में जो बातें हैं वो उभर कर सामने आ सकती है, तो उसी के ऊपर थोड़ा सा ध्यान रखना ज़्यादा आवश्यक होगा। इसके बाद हम चर्चा करेंगे गुरु ग्रह के बारे में। गुरु जो ग्रह है यह गुरु ग्रह आपके व्यय भाव में भ्रमण कर रहा है और संपूर्ण महीना यह गुरु ग्रह आपके व्यय भाव में ही भ्रमण करेगा और मार्गस्थ होके रहेगा। देखिए, आपके व्यय भाव में शनि और गुरु है तो ये जो ग्रह है उसकी जो दृष्टि है गुरु के बारे में अगर देखी जाए तो वो आपके चतुर्थ स्थान पर रहेगी, षष्ठ स्थान पर रहेगी और आपके अष्टम स्थान पर भी रहेगी।
तो सेहत के बारे में ध्यान रखना काफ़ी ज़्यादा आवश्यक होगा। सेहत के बारे में छोटे मोटे प्रॉब्लम कॉम्प्लिकेशन आ सकते हैं, और वो भी करीबन 10-12 तारीख के पहले तक रहेगा, उसके बाद वो जो प्रॉब्लम है नॉर्मल हो जाएगी, लेकिन स्ट्रेस लेवल थोड़ा बना रहेगा। हालांकि जो स्ट्रेस है वो पहले जैसे आपने देखा पिछले करीबन 10-12 दिनों से या फिर करीबन 1 महीने से आप जो जो स्ट्रेस देख रहे हो उस प्रकार का स्ट्रेस बिल्कुल नहीं होगा। ऐसा स्ट्रेस होगा जो कि आप सहन कर सकते हो, बस वही बात है। और यह जो गुरु है वो मोटे तौर पर आपको स्ट्रेस बिल्कुल भी नहीं देगा। इसके बाद हम चर्चा करेंगे शुक्र के बारे में। शुक्र जो ग्रह है, यह ग्रह आप ही के राशि में भ्रमण कर रहा है और दिनांक 17 तारीख के बाद यह ग्रह आपके द्वितीय भाव में भ्रमण करेगा, जो कि आपके लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण बात है। शुक्र जो ग्रह है आपके लिए शुभ फलदायी है और वह राजयोग कारक भी है, क्योंकि यह चतुर्थेश और भाग्येश भी है। इसी वजह से इसका जो भ्रमण है आपकी राशि में या फिर आपके द्वितीय भाव में काफ़ी ज़्यादा लाभदायी आपका साबित हो सकता है। आपके जो घर के लोग हैं उनके साथ आपकी हारमोनी काफ़ी अच्छी बनी रहेगी। उसी प्रकार 17 तारीख के बाद जैसे ही ये शुक्र आपके द्वितीय भाव में भ्रमण करेगा तो लक फैक्टर जिसे हम बोलते हैं इसमें काफ़ी अच्छा इजाफा देखा जाएगा। जो भी आप काम करते हो उसमें भाग्य का साथ आपका आपको ज़रूर मिलेगा। तो यही वजह है, और के जो भी महत्वपूर्ण काम है वह इस महीने के करीबन 16 तारीख के पहले अगर निपटा लो तो वो काफ़ी अच्छा होगा, वो सरलतापूर्वक पूरा भी होगा। अगर 17 तारीख के बाद भी अगर आप कोई काम लेते हो जो कि आर्थिक स्तर पर हो आपके पूरे होते हुए नजर आएंगे। तो मोटे तौर पर अगर देखा जाए तो शुक्र का जो भ्रमण होगा आपके लिए काफ़ी ज़्यादा शुभ फलदायी होगा। 17-18 तारीख के बाद जैसे ही शुक्र ग्रह आपके द्वितीय भाव में भ्रमण करेगा तो आपके फैमिली मेंबर्स खास करके आपके फैमिली में जो महिला वर्ग होंगे उनके लिए खर्चे वगैरह हो सकते हैं, लेकिन वो पॉजिटिव होने के कारण उसकी कोई चिंता करने की ज़्यादा आवश्यकता नहीं है। इसके बाद हम चर्चा करेंगे शनि ग्रह के बारे में। शनि जो ग्रह है, यह शनि ग्रह आपके व्यय भाव में भ्रमण कर रहा है, आपके राशि का स्वामी भी है, और इस वजह से आपको आपकी जो राशि है 7.5 में है तो थोड़ा सा स्ट्रेस बना रहेगा। अब देखिए ये जो स्ट्रेस है वो बहुत ज़्यादा नहीं होगा, तो बहुत ज़्यादा चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। होता क्या है कि आपकी जो राशि है वो काफ़ी डिसिप्लिन में चलने वाली राशि है, और हमेशा आप ये चाहते हो कि आप जो भी करोगे वो सही होना चाहिए और कोई किसी भी प्रकार का स्ट्रेस नहीं होना चाहिए। होता क्या है कि आप खुद कई दफ़ा बहुत ही सरलतापूर्वक कोई भी काम करते हो, काफ़ी स्ट्रिक्ट हो, काफ़ी डिसिप्लिन हो, लेकिन जैसा आप अनुमान लगाते हो इस तरह से अगर सामने वाले व्यक्ति या फिर परिस्थिति ना हो तो फिर आपको स्ट्रेस आता है। तो उसी तरह का स्ट्रेस आपको बना रहेगा। जो भी आपको स्ट्रेस आएगा उसमें आपकी गलती बिल्कुल भी नहीं होगी, लेकिन हम ये नहीं कह सकते कि सामने वाला व्यक्ति है वो किस प्रकार से आपके साथ बिहेव कर सकता है। तो इसी वजह से अगर ऐसी कोई बात होती है जिसकी वजह से आपको ज़्यादा स्ट्रेस आता है तो वह स्ट्रेस बिल्कुल भी नहीं लेना। इसके बाद हम चर्चा करेंगे राहु और केतु के बारे में। राहु आपके चतुर्थ भाव में भ्रमण कर रहा है और वह मंगल के साथ युति भी करेगा, उसके जो परिणाम है वह ग्रह योग में हम देखेंगे। उसी प्रकार केतु के बारे में अगर देखा जाए तो केतु किसी भी प्रकार से अन्य ग्रह से महत्वपूर्ण ग्रह योग करने वाला नहीं है, तो केतु के जो स्वतंत्र परिणाम है वह आपको इस महीने में देखने को नहीं मिलेंगे। अब हम चर्चा करेंगे ग्रह योगों के बारे में। रवि और नेपच्यून की युति होने जा रही है आप ही के राशि में, और इसका जो कालावधि होगा वह कालावधि करीबन 9, 10 और 11 तारीख को देखा जाएगा। इस दरमियान अगर आपका विवाह हुआ है तो आपके जो वैवाहिक जुड़ेदार हैं उनके साथ छोटी मोटी बातों को लेकर मिसकंसेप्शन हो सकते हैं, या फिर थोड़े दुविधापूर्वक मतलब मिसअंडरस्टैंडिंग जिसे हम बोलते हैं वो हो सकती है। हालांकि जो बातें हैं वो 3-4 दिनों तक रहेगी, उनके सेहत के बारे में भी ध्यान रखना ज़्यादा आवश्यक होगा। इसके बाद हम चर्चा करेंगे शुक्र और नेपच्यून की युति। शुक्र और नेपच्यून की युति भी आप ही के राशि में होने वाली है और इसका जो कालावधि होगा वो 13, 14, 15, 16 इन तारीखों के दरमियान इसका जो प्रभाव है इस ग्रह योग का वो देखा जाएगा। सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण बात, अगर आप आध्यात्मिक मार्ग से जुड़े हुए हो तो आपको इंट्यूशंस वगैरह काफ़ी अच्छे तरीके के आ सकते हैं। अगर आपके जीवन में कोई भी दुविधा है, सामान्य व्यक्ति के लिए भी अगर आपके जीवन में कोई भी दुविधा है, कोई भी स्ट्रेस है, कोई भी टेंशन बना हुआ है,
और इन दिनों में अगर आपको उसके संदर्भ में कुछ बातें अंदर से ही, जिसे हम गट फीलिंग भी कहते हैं, आपके अंतर्मन से अगर कोई इसके संदर्भ में कल्पना आती है, कोई आइडियाज वगैरह आते हैं, तो उसके बारे में ज़रूर ध्यान देना, उसके ऊपर ज़रूर काम करना, क्योंकि आगे जाके ये जो बातें हैं, जो भी आइडियाज़ आपको मिलते हैं, वो पॉजिटिव होते हुए नज़र आएंगे, जो कि आपके लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण बात है। तो अगर ऐसी कोई बात होती है तो उसके जो भी बातें हैं उसके ऊपर अमल करना, क्योंकि ये बातें आपके लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण साबित होंगी। ये बात बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। इसके बाद हम चर्चा करेंगे सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण जो योग है इस महीने का, जो कि आपके राशि के लिए भी काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है, वह है मंगल और राहु की युति। यह जो मंगल और राहु की युति है वह 27 तारीख को देखी जाएगी और आपके चतुर्थ भाव में मंगल और राहु की युति होने वाली है। इसका जो पहला जो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण भाव होगा, इसका जो प्रभाव देखा जाएगा, वह 26, 27, 28, 29 इन चार दिनों में देखा जाएगा। आपके जो घर के लोग हैं उनके साथ छोटी मोटी बातों को लेकर तकरार हो सकती है, तकरार थोड़ी बढ़ भी सकती है। आपके जो घर का वातावरण होगा वो थोड़ा सा तप्त होने के चांसेस ज़्यादा दिखाई दे रहे हैं। उसी प्रकार जहाँ पर आप काम करते हो, नौकरी करते हो या फिर व्यवसाय करते हो, वहाँ पर के जो सहकर्मी होंगे उनके साथ कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग वगैरह हो सकती है, आपके खिलाफ कोई षड्यंत्र भी रचा जा सकता है। तो इन दिनों के दरमियान ध्यान रखना काफ़ी ज़्यादा आवश्यक है। हालांकि आपकी जो राशि है वह वैसे भी ट्रस्टवर्दी नहीं है, किसी भी व्यक्ति पर आपकी जो राशि है वो जल्दी विश्वास नहीं रखती, लेकिन इन दिनों में भी आपको यही बात ध्यान में रखनी होगी कि आँख मूंद कर विश्वास नहीं रखना। अगर रखते हो तो इन चार पाँच दिनों में फंस जाने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा बनते हैं। उसी प्रकार डॉक्यूमेंटेशन के बारे में अगर कोई भी बात हो तो बिल्कुल भी उसमें उसके कोई भी डिसीजन उसके संदर्भ में नहीं लेना। आपके भाई बहन हैं उनमें जो भाई रहेंगे उनके सेहत के बारे में छोटे मोटे प्रॉब्लम उभर कर सामने आ सकती है। देखिए जो ग्रह योग है मंगल और राहु की ज्योति, जो कि आपके चतुर्थ भाव में हो रही है, बहुत ज़्यादा महत्व है इसका, क्योंकि यह युति होने वाले है 27 तारीख को और 28 तारीख को पूर्णिमा है, होली पूर्णिमा जिसे हम बोलते हैं। तो पूर्णिमा के दिन हमारी जो इमोशंस होती है वो बहुत ज़्यादा देखी जाती है, बहुत ज़्यादा हम इमोशनल होते हैं, और इसके पहले ही आपके चतुर्थ भाव में मंगल और राहु की युति है। तो अभी जो भी मैंने गिनवाया उसके ऊपर अच्छी तरह से अमल करना, नहीं तो छोटी छोटी बातें भी काफ़ी उग्र रूप धारण कर सकती है, काफ़ी एक्सट्रीम तक जा सकती है। तो यह जो ग्रह योग है आपके लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। इसके बाद हम चर्चा करेंगे बुध और नेपच्यून की युति। बुध और नेपच्यून की युति होने जा रही है आप ही के राशि में, और इसका जो कालावधि होगा या कालावधि इसका जो प्रभाव होगा वो करीबन 29, 30 और 31 तारीख को देखा जाएगा। सबसे पहली महत्वपूर्ण बात, अगर आप किसी के रिलेशनशिप में हैं तो वहाँ पर थोड़ी सी मिसअंडरस्टैंडिंग वगैरह हो सकती है, इसी पर थोड़ा ध्यान रखना। अगर आप किसी व्याधि से त्रस्त हो तो उसके संदर्भ में भी कुछ अच्छे ऐसे लक्षण आपको दिखाई दे सकते हैं जो कि आपको दुविधा में डाल सकते हैं। हालांकि इसका जो प्रभाव देखा जाएगा वो तीन चार दिनों तक देखा जाएगा, लेकिन इसके ऊपर थोड़ा सा ध्यान रखना आवश्यक है। और इन दिनों के दरमियान किसी भी प्रकार के बड़े ट्रेड अगर आप शेयर मार्केट से डील करते हो तो बिल्कुल भी नहीं करना, बड़े रिस्क नहीं लेना। उसी प्रकार हर एक महीने में अमावस और पूर्णिमा के दिन आते हैं। अब ये अमावस और पूर्णिमा काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण होती है, क्योंकि सूर्य और चंद्रमा का जो आकर्षण होता है पृथ्वी के प्रति, वह अमावस और पूर्णिमा के दिन ज़्यादा देखा जाता है। तो इसी वजह से हमारी जो भावनाएँ होती हैं वो काफ़ी तीव्रतम देखी जाती है। तो इसमें इन दिनों में मतलब अमावस और पूर्णिमा के दिन किसी भी प्रकार के बड़े डिसीजन बिल्कुल भी नहीं लेना, अगर लेते हो तो वो चूकने की संभावना काफ़ी ज़्यादा बनती है। अमावस इस महीने में 13 तारीख को है और पूर्णिमा जैसे मैंने शुरुआत में कहा जो होली पूर्णिमा है वो 28 तारीख को है। तो 13 और 28 तारीख के दरमियान किसी भी प्रकार के बड़े निर्णय बिल्कुल भी नहीं लेना। तो दोस्तों ये था मार्च 2021 का कुंभ राशि का संपूर्ण राशिफल। आपको ये राशिफल कैसे लगा, आपने किस तरह से अनुभव किया, नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करना। और अपना जो चैनल है ब्रह्मांड सिद्धि एस्ट्रो, इसे भी लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करना। धन्यवाद।